हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए टाटा मोटर्स के शेयर को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे बड़ा झटका, जहाँ पे अगर देखें उसके जो प्रतिद्वंदी हैं मारुति, और अगर आप देखें अशोक लेलैंड, उनको उम्मीद जो है पॉजिटिव जताई गई, लेकिन टाटा मोटर्स को बड़ा झटका क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और क्या ये झटका इस शेयर को और नीचे गिरा सकता है, वो तो पता लगेगा झटका किस लेवल का है। एक नज़र देखते हैं इस झटके को, साथ में टाटा मोटर्स के फंडामेंटल और टेक्निकल को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और ये झटका जो है वो कौन सा झटका है, जोर का झटका जो धीरे से लगा है टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स लिमिटेड अगर आप देखें, डीवीआर का प्राइस 71.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स का, अगर ये तो टाटा मोटर्स डीवीआर है, अगर आप देखें इसका मेन शेयर टाटा मोटर्स लिमिटेड किस प्राइसिंग पर ट्रेड कर रहा है, 160 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी लास्ट यानी कि फ्राइडे को 165 के प्राइस से ये गिर के 160 के प्राइस के लेवल तक आ चुका है। ऑलरेडी अगर आप देखें यहाँ पे 2 करोड़ शेयर्स के ट्रेडिंग हुई है, जिसमें 37 लाख शेयर्स की डिलीवरी हुई है मात्र। आप देखिए 18-20% ये बनता है, लेकिन जो बड़ा झटका है उसको देखिए और उसको समझिए। अभी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मारुति सुजुकी इंडिया की सेल्स के नंबर आए थे, जो कि मात्र 2% डाउन है पिछले साल नवंबर के कंपेरिजन में। मैं कहूँगा बहुत अच्छा ये नंबर देखने को मिला है मारुति सुजुकी का, लेकिन जैसे कि आपको पता है जैसे ही मंथ एंड हो जाता है, अभी नवंबर का मंथ एंड हुआ है और ये जो मंथ आया है दिसंबर का, इसमें पुराने पिछले मंथ के सारे डाटा, किसने कितनी गाड़ियां बेची उसका नंबर आ जाता है। तो टाटा मोटर्स ने कितनी गाड़ियां बेची उसका नंबर आ चुका है आपके सामने, और वो आप देख सकते हो कि वो नंबर कैसा रहा है। आप देख सकते हो ये ऑटो सेल्स की रिपोर्ट जो आई है, वहां पे टाटा मोटर्स का 25% सेल्स गिरी है, 25%, जहाँ पे मारुति की सेल्स को आप देख पा रहे हो कि मात्र 2% भी नहीं गिरी है, लेकिन यहाँ पे इसकी 25% सेल्स के नंबर्स गिरे हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग है, झटका देने वाला है। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही थी 23-24% के आसपास गिरेगा, लेकिन ये 25% गिरा। टोटल सेल्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल जो है वो 10,400 यूनिट इसने लास्ट महीने में बेची है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में 39% डाउन है। पिछले साल ये 17,000 यूनिट्स के आसपास बेची थी, इस बार 10,000 यूनिट्स के आसपास बेची है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट 39% ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में है। अगर आप देखें मारुति सुजुकी, जो कि पैसेंजर व्हीकल में कार्स में एक टॉप कार मेकिंग कंपनी है, उसके उसमें कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ी है उसकी सेल्स, लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स की सेल्स में बड़ी गिरावट, ओवरऑल देखा जाए तो 25% गिरा है। अब हम देखते हैं कैसे डोमेस्टिक सेगमेंट में और एक्सपोर्ट सेगमेंट में ये गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए आप, लास्ट ईयर जो थी वो 38,000 यूनिट्स थी, इस बार वो सेल 25% डाउन आई है। कंपनी सोल्ड 50,000 यूनिट्स इन डोमेस्टिक मार्केट, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो कितनी थी, ऑलमोस्ट 50,470 यूनिट्स जो थी वो लास्ट यानी कि नवंबर 2018 में थी, इस बार कितनी है 38,000 इस नवंबर में है, तो 25% की गिरावट है। अगर आप देखें पैसेंजर कार सेगमेंट आपने देख लिया, 39% गिरा है। उसके अलावा आप ये देखिए भाई, टाटा मोटर्स के जैसे अलग अलग कमर्शियल व्हीकल्स भी आते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं इन टाटा मोटर्स की रिटेल सेल्स को अगर हम देखा जाए, रिटेल सेल्स वर मोर देन होल सेल बाय 15%, विच हैज हेल्प द कंपनी टू रिड्यूस द नेटवर्क स्टॉक बाय 35% दिस फिस्कल ईयर। अभी देखिए इसमें टाटा की जो गाड़ियाँ जैसे नेक्सन है, टाटा की जो टियागो है, ये बहुत सारी गाड़ियाँ टाटा की आती है। जिस तरीके से हम मारुति में भी हमने देखा कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं वैगन आर ऑल्टो, उनकी सेल्स में गिरावट है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बलिनो इग्निस एंड ऑल, उनकी सेल्स में जो है वो जंप देखने को मिला था 7-7.5%। यहाँ पर आप देखिए सेल ऑफ कमर्शियल व्हीकल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में 17% यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 17%। लास्ट ईयर जो 33,000 यूनिट्स बेची थी, इस बार मात्र 27,000 यूनिट्स के आसपास ये बेची गई हैं। और मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर देखा जाए तो 38% की गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पे 6,000 यूनिट्स बेची है। देखिए बिल्कुल बड़ी बड़ी गिरावट के नंबर्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स की ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा झटका है यहाँ पे। और इसके अलावा आप देख सकते हो मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट सेल्स ग्रू बाय 43% ओवर द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ के हिसाब से बढ़ी है, जो कि एक पॉजिटिविटी है। प्रीवियस मंथ अगर आप देखें उसके कंपैरिजन में तो बढ़ा है, तो लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल मीडियम एंड हाई कमर्शियल सेल्स लास्ट मंथ अगर आप देखा जाए कितना है, ये ट्रक बसेस जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 13,162 यूनिट के कंपैरिजन में इस बार 7,736 यूनिट ही रह गई है। मतलब बड़ा झटका आप क्लियरली देख पा रहे हो टाटा मोटर्स, लेकिन टाटा मोटर्स की ये डोमेस्टिक सेल्स में इतनी बड़ी गिरावट आप
क्लियरली मंदी का साइन जो हम कह रहे थे, इकोनॉमिक स्लो डाउन जिसकी बातें चल रही है बार बार, जीडीपी में डिक्लाइन आप देख रहे हो, 4.5% जीडीपी आ चुका है इस क्वार्टर में, वो सब जो है वो दिखा रही है ये नंबर्स, वही चीज़ें दिखा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। भाई जब सेल ही नहीं होगी तो मैन्युफैक्चरिंग करके करेंगे क्या। इवन आपने देखा होगा लास्ट अभी जो न्यूज आई थी कि टाटा मोटर्स जो है वो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट देने वाला 1600 स्टाफ को, क्योंकि स्लो डाउन बिल्कुल चरम सीमा पे है। टाटा मोटर्स का एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे लोगों को VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त हिट है टाटा मोटर्स के लिए। और अगर आप देखें यहाँ पे जैगवार लैंड रोवर इसका मेजर कंसर्न था, लेकिन अभी ये डोमेस्टिक सेगमेंट की बात है। अब मैं दूसरे कुछ नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो पहले ही पूरा हिसाब किताब लगा के रखते हैं। जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी कि 23% डाउन जाएगा और लेकिन गया है 25% डाउन, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। ये रिपोर्ट जो है वो नवंबर एंड की जो रिपोर्ट है, ये नंबर्स आने से पहले की रिपोर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी तरीके से मारुति सुजुकी को एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि 5% डाउन जाएगा, लेकिन वो मात्र 2% डाउन किया, जो कि एक पॉजिटिव बात है, जो अच्छी बात है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% डाउन जाएगा, देखिए इसमें कि मैं भी उसी तरीके से गिरावट है, और अशोक लेलैंड पर 4% डाउन जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन थी। फिलहाल आप देख रहे हो कि टाटा मोटर्स एक्सपेक्टेशन से ऊपर गिरा है, लेकिन मारुति सुजुकी जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर उसने परफॉर्म किया है। अब आप देखिए टाटा मोटर्स के शेयर को अगर आप देखें और समझें तो 160-161 के प्राइस पर ट्रेड करते हुए 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट बहुत है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसते जा रहे हैं उसका कारण यह है कि वो एक स्पेकुलेशन लगाए हुए हैं कि देखिए मारुति सुजुकी का आप नंबर्स देख पा रहे हो कि 1.9% गिरा जो है, गिरा मात्र गिरा। तो जो स्पेकुलेशन रिटेल इन्वेस्टर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को रिवाइवल के लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में जो लॉसेज इसने दिखाए, बड़े बड़े लॉसेज दिखाएं, देखिए जून 2018 में 1900 करोड़ का लॉस दिखाया था, तो सितंबर 2018 में 1000 करोड़ के आसपास का लॉस दिखाया था, लेकिन सबसे बड़ा लॉस दिसंबर 2018 में 27,000 करोड़ का दिखाया था। मार्च में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई थी और 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो फिर जून में देखिए ऑलमोस्ट 3700 करोड़ का लॉस दिखाया, और इस बार सेप्टेम्बर में देखिए 217 करोड़ का लॉस दिखाया। तो राहें आसान नहीं है टाटा मोटर्स की, काफ़ी मुश्किल राहें हैं। आप देख सकते हो कि रिसेंटली जो इसने लो बनाया वो बिल्कुल 106 के लेवल का वीकली चार्ट पे रो बनाया है, बिल्कुल नीचे लो बनाया था, और उसके बाद अभी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिली थी 30 सितंबर के बाद। स्टॉक में 3-4 हफ्ते लगातार पॉजिटिविटी देखने को मिली थी और शेयर ने ब्रेकआउट लेके देखिए 150 से सीधे 182 तक का हाई टच किया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गिरावट इसमें और आ सकती है 161 के लेवल से इतनी बड़ी जंप के बाद। अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड की लाइन अभी भी पार नहीं हुई है, ऑल्दो 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट जरूर ले आए देखिए इस हिसाब से। और RSI में अगर ये मेरे पास वीकली चार्ट है, इसमें मैं RSI देखूँ तो ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं एक गिरावट आके 40 के RSI के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो एक पॉजिटिविटी मिल सकती है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर अगर एक नज़र हम इस चार्ट को देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 200-डे मूविंग एवरेज के पास ये जा चुका है, देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में ऊपर जाने की वजह अब गिरावट आ सकती है, यहाँ पे नीचे शेयर जा सकता है। तो फिर अगर ये 200-डे मूविंग एवरेज से नीचे आता है तो पिछली बार की तरह ही इसने 200-डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद फिर से ये नीचे गिर रहा था, और उसी तरीके से मुझे सेम इंस्टेंस इसमें देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ से नीचे आने की 2 दिन बहुत ज़बरदस्त दिन थे, 25 और 26 अक्टूबर जो थे इसके लिए बहुत ज़बरदस्त, जब 125 के लेवल से सीधे 176 के लेवल तक चला गया था, उसके बाद आप देख रहे हो कि लगातार 30 अक्टूबर के बाद एक महीना ये धीरे धीरे करके नीचे ही गिरा, और ये बड़ा झटका अब सामने निकल के आ रहा है। और ये झटका किस से रिलेटेड है वो आपको पता ही है भैया, ये झटका है नवंबर के महीने की सेल्स में बड़ी गिरावट आपने देखी है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि इस शेयर में जो बड़ी गिरावट का एक और कारण आपको मिल सकता है। सपोर्ट कहाँ पे है, अगर नीचे गिरता है तो सपोर्ट कहाँ पे है, मुझे लगता है कि 152 के लेवल पे जो 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन अगर और बड़ी गिरावट आती है तो ये 136 140 के लेवल पर जो ये पीक है इनके लेवल तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, देखिए अगर इसमें बड़ी गिरावट आती है तो। लेकिन उम्मीद है कि 150 की रेंज में यहाँ से इसको सपोर्ट मिलने की कोशिश होगी। चलिए ये अपडेट थी टाटा मोटर्स के रिलेटेड, देखें नंबर्स आ चुके हैं ऑटो सेल्स के, और यही अभी हॉट टॉपिक
चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मारुति सुजुकी के अच्छे नंबर्स हैं, उसके नंबर्स की डिटेल आप देखने के लिए लास्ट वीडियो देख सकते हो लेटेस्ट वीडियोज़ में जाके, और ये टाटा मोटर्स के नंबर्स जो कि बिल्कुल झटके वाले नंबर्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड आपकी अपनी राय टाटा मोटर्स के नंबर्स के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।